हाँ तो गाइस, क्या हाल है सबके। फिर से और एक और नई वीडियो में सबका स्वागत है। तो आज जो मैंने कल बताया था वही करने वाले हैं हम। देखना है कि बेबलेड बर्स्ट में सबसे बेस्ट कौन सा बेबलेड है जो अभी मेरे पास है। बाकी थोड़े दिन में वो भी आ जाएगा, वेनिश फैफनियर भी आ जाएगा और डायनामाइट बेलियल भी आ जाएगा, और भी एक दो बेबलेड हैं। कल कल लूसीफर दी एंड भी आएगा गाइस, तो स्टे ट्यून। हाँ बाकी अभी जो बात कर रहे थे वो कर लेते हैं। तो ये है लोंगिनस, ब्लडी लोंगिनस। ये है जुई लोंगिनस, जीटी लोंगिनस कह लेते हैं इसको। ये किंग हेलियोस है, ये हेलियोस वोल्केनो है, ये एस्ट्रल स्प्रिगन है, ये वर्ल्ड स्प्रिगन है, ये हेल सेलामेंडर है और ये मिराज फैफनियर है। तो ये आठ बेबलेड है और इनका बैटल चूज ऐसे करेंगे। मैंने आज पूरा जुगाड़ करा है गाइस। देखो ये मैंने नाम लिखे हैं एच वी, मतलब हेलियोस वोल्केनो ये वाला, और जेड एल मतलब ये जुई लोंगिनस। तो ऐसे मैंने इनको सबको मैं उल्टा रख देता हूँ ताकि मेरे को पता ना चले मैं कौन सा उठा रहा हूँ। ओके, और दो दो उठाएंगे और उनकी फाइट करेंगे गाइस। ऐसे करेंगे टूर्नामेंट, मतलब टूर्नामेंट होगा एक टाइप से। इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ भाई, ये उल्टा हो गया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता भाई कौन सा कहाँ है कौन सा कहाँ नहीं है। तो अभी इनमें से दो निकालेंगे और देखेंगे कौन सा किसके साथ फाइट करता है। तो भाई मजा आने वाला है अभी। ओके, तो मैं इसका नीचे वाला कलर थोड़ा चेंज करता हूँ एक बार। ये वाला कैसा है? ये सही लग रहा है मेरे को, थोड़ी सी अलग लुक मिल रही है गाइस। ओके हाँ, तो गाइस अभी बताता हूँ। ये दो आए हैं मेरे पास, ये है किंग हेलियोस वर्सेस जुई लोंगिनस। भाई सही फाइट हो गई, मतलब मजा आएगा गाइस। मेरे ख्याल से किंग हेलियोस जीत जाएगा क्योंकि ये स्पार्किंग भी है। बाकी इन दोनों का वेट भी देखेंगे, हर बेबलेट का वेट देखेंगे और फिर उनसे फाइट करेंगे। मतलब आज की फाइट थोड़ी अलग करेंगे, थोड़ी प्रोफेशनल वे में करेंगे। वैसे प्रोफेशनल ही होती है बाकी भी, नहीं प्रोफेशनल नहीं होती मेरी वीडियो वैसे। ये है 56 ग्राम, 56 ग्राम। ओके, और ये है वो भाई 61 ग्राम। ये हैवी है गाइस, तो भाई एडवांटेज है इसको लोंगिनस को। तो अभी देखते हैं गाइस कौन सा इनमें बेस्ट है और कौन सा लूजर है। किंग हेलियोस देखते हैं भाई। 3 3 2 1। ओ भाई ये हवा में ही बैटल होगी गाइस शायद। लेकिन गाइस ओ भाई ये बर्स्ट हो रहा, बर्स्ट होते होते चल रहा था। ये पहली फाइट जीतता है गाइस। इसके तो क्लिक ही नहीं है यार, बिल्कुल ही क्लिक नहीं है। ये क्या चक्कर है, कुछ सीन हो रहा है गाइस। हाँ अब ठीक हो गया, मैं भी सोचूं इसके क्लिक क्यों नहीं है भाई। अब आगे तो पहला पॉइंट जाता है इसको। चार तीन तीन पॉइंट्स की बैटल करेंगे। पहला पॉइंट लोंगिनस को जाता है। 3 2 1। वाह भाई वाह, किंग हेलियोस और लोंगिनस। ओके गाइस, दूसरा पॉइंट किंग हेलियोस को जाता है। दोनों बराबरी पे हैं अभी। मैं किसी की साइड नहीं हूँ सही बताऊँ तो, कोई भी जीत जाओ मेरे लिए सब बराबर है। 3 2 1। किंग हेलियोस शांत बैठा है, पता नहीं क्यों बैठा है लेकिन शांत है किंग हेलियोस। कम ऑन किंग हेलियोस, कम ऑन। अरे भाई कम ऑन यार, मेरे ख्याल से यस लोंगिनस जीत गया ये फाइट। तो गाइस लोंगिनस के दो पॉइंट हो चुके हैं और किंग हेलियोस का एक पॉइंट है। भाई ये वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मजा आएगा इस वीडियो में। 3 2 1। ओ ये शिट भाई, बेइज्जती कर दी गाइस किंग हेलियोस की। और लोंगिनस हमेशा की तरह ही एक रॉयल बेबलेड, एक लेजेंडरी बेबलेड जीतता है ये फाइट। तो किंग हेलियोस होता है मुकाबले से बाहर, ये जाता है नेक्स्ट राउंड में। तो नेक्स्ट दो बेबलेट देखते हैं गाइस। ये है ब्लडी लोंगिनस वर्सेस हेलियोस वोल्केनो। गया भाई ब्लडी लोंगिनस गया, मजा आ गया यार। मतलब ओके कहा गया हेलियोस वोल्केनो, ब्लडी लोंगिनस की खैर नहीं है गाइस। ये मेरे ख्याल से लॉन्च ना हो क्योंकि स्पार्किंग, मतलब ये जो टर्बो बेबलेट है लॉन्च नहीं होते शायद इसमें, डीबी बेबलेट लॉन्चर में। हो गया हो गया हो गया। ओ
सरवाइव कर गया, अभी तक सरवाइव कर गया लॉन्गिनस भाई। और मैं किसी को कोई एडवांटेज नहीं देने वाला इस मैच में, जो जीतेगा वो जीतेगा भाई। 3, 2, 1 ओ स्पीड गाइस, स्पीड रेस हो रही है इनकी, इट्स रेस टाइम। थोड़ा सा कैंडल चेक कर देते हैं भाई। एक पॉइंट हो चुका है वोल्केनो हिलियोस का, और दूसरा भी हो गया है हिलियोस वोल्केनो। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। 2 पॉइंट हो चुके हैं गाइस हिलियोस वोल्केनो के, और तीसरा भी हो जाएगा इस मैच में। 3, 2, 1 भाई वोल्केनो की स्पीड तो देखो तुम, मतलब खतरनाक। और लॉन्गिनस इतना शांत बैठा है, सोचा है लॉन्गिनस ने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि ये वाली बैटल शायद स्टेमिना बैटल करके जीत जाए, बट देखते हैं क्या होता है एंड का, कुछ को कुछ नहीं पता होता गाइस। लॉन्गिनस बिल्कुल शांत है अपने मतलब थोड़ा सा अपने कैरेक्टर से अलग होके बिहेव कर रहे हैं। बाकी अभी तक एक टक्कर नहीं हुई और लॉन्गिनस का दाव गलत पड़ गया गाइस। और इसी के साथ वोल्केनो है इस मैच का विनर, इस मैच का नहीं हर मैच का विनर, तो ये होता है बाहर। और हमें 2 विनर्स मिल चुके हैं, ये हैं 2 विनर्स, 4 विनर होंगे इस राउंड में। ठीक है, तो गाइस मैं पहले इनमें से देख लेता हूँ कौन सा जीता है। जो ही लॉन्गिनस जीत चुका है इसको अलग रख लेते हैं। ब्लडी लॉन्गिनस हार गया है और हेलियोस वोल्केनो जीत गया है, नहीं किंग, हाँ हेलियोस वोल्केनो जीत गया है, किंग हेलियोस हार गया है। दोनों बाहर हैं मैच से, इनको साइड रखते हैं और इनको एक साइड रख लेते हैं। तो नेक्स्ट 2 चुनते हैं गाइस, ये है मिराज सेफनियर, ओ भाई एस्ट्रल स्प्रिगन भाई, ये फाइट होने वाली है खतरनाक गाइस, मतलब डेंजर जोन में है अभी एस्ट्रल स्प्रिगन भी और मिराज सेफनियर भी। बाकी वो वेट देख लेते हैं, मैंने पिछले वाले का वेट नहीं देखा, सॉरी गाइस, पिछले वाले का कोई कंपैरिजन भी नहीं था वैसे, बहुत ही मतलब कम वेट का है ब्लडी लॉन्गिनस, इसका है 59, 60 के अराउंड, और एस्ट्रल स्प्रिगन का है 75 के अराउंड, 76। तो कोई मुकाबला नहीं है, बट एस्ट्रल स्प्रिगन मेरे ख्याल से हार सकता है ये मैच। और इसको जल्दी से कर लेते हैं भाई, यार ये LR लॉन्चर बनाए हैं लेकिन इनमें वो नहीं बनाया घुमाने वाला इसको, तो मेरे को दूसरा लॉन्चर भी लेना पड़ेगा गाइस, और मैं अभी लेके आता हूँ। इसकी बात कर रहा था मैं, ये वाला नहीं है उनमें, होना चाहिए यार, LR लॉन्चर है वो, उसमें होना चाहिए ये, बट है नहीं, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हम इससे कर लेंगे भाई। ओके एस्ट्रल स्प्रिगन रेडी है लेफ्ट स्पिन के लिए, स्प्रिगन रेक्रियम वाली फॉर्म में। ओके चलो भाई, 3, 2, 1 गाइस ये मान्य नहीं होगा, ये फाइट मेरे को नहीं पता हवा में ही फिनिश होगी, और मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि एस्ट्रल स्प्रिगन ऐसे बर्स्ट होगा। वैसे हो सकता है भाई, डीबी बेब्लेड बर्स्ट होते हैं और स्पार्किंग बेब्लेड्स बर्स्ट नहीं होते। और अभी इनको मैं चुप करा के आता हूँ। ओके गाइस तो चलो बैटल को शुरू करते हैं, 3, 2, 1 मैं कहता हूँ मिराज सेफनियर जीतेगा, बट देखते हैं एस्ट्रल स्प्रिगन का क्या रहता है। वो भाई इस बैटल में तो मिराज सेफनियर हारता दिख रहा है मेरे को, और हार गया गाइस मिराज सेफनियर, बिल्कुल ईजिली हार गया, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा लेकिन हार गया, कमाल कर दिया भाई। ये नहीं सोचा था मैंने कि मिराज सेफनियर इतनी जल्दी हार जाएगा। 3, 2, 1 एस्ट्रल स्प्रिगन का 1 पॉइंट होता है और एस्ट्रल स्प्रिगन के 2 पॉइंट होते हैं भाई। ये बेब्लेड जीत रहा है, मैंने सोचा था ये हार जाएगा, कमाल हो रहा है गाइस, डीबी बेब्लेड जीत रहा है, वो भी एस्ट्रल स्प्रिगन। वैसे एस्ट्रल स्प्रिगन स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, लेकिन स्पार्किंग बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। लास्ट फाइट है, 3, 2, 1 अरे भाई चलो इसको एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि कोई हिट नहीं हुआ, अगर हिट होता तो मान लेते कि स्टेडियम आउट है। 3, 2, 1 और गाइस बे यार ये बकवास नहीं चाहिए। वापिस आ जा, वापिस आ जा, वापिस आ जा,
ये लास्ट बैटल करनी है और ये ही नहीं हो रही गाइस। अभी और भी बेबलेट बचे हैं भाई, जल्दी करो यार। 3, 2 ओ भाई, ये तो मेगा कमबैक है, ये मिराज फैफनियर वाले स्टाइल में कमबैक है गाइस। 2 पॉइंट मिलते हैं एस्ट, वो क्या कहते हैं इसको, 2 पॉइंट मिलते हैं यार, ये क्या हो रहा है, 2 पॉइंट मिलते हैं गाइस मिराज फैफनियर को। मुकाबला बराबरी पे आ गया फिर से, ये बेबलेट इतनी जल्दी हार नहीं मानता, इतना तो मेरे को भी पता था और नहीं मानी इसने हार, बस कर ही दिया भाई। 3, 2, 1 अरे चलो कोई बात नहीं, एंड में बर्स्ट करा मिराज फैफनियर ने, अपनी काबिलियत दिखाई और बाहर हो गया मैच से। एस्ट्रल स्प्रिगन जीतता है ये मैच, तो एस्ट्रल स्प्रिगन को रखते हैं और इसको रखते हैं साइड में। मिराज फैफनियर को 2 रहते हैं भाई 2 रहते हैं, इन दो का तो क्या ही देखना है मेरे को, हेल सेलेमेंडर और वर्ल्ड स्प्रिगन ही है, इनका क्या देखना है, इनमें से वर्ल्ड स्प्रिगन जीतेगा मेरे को पता है इसका भी, और हेल्थ एलिमेंट पता नहीं मैं लॉन्च भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इस लॉन्चर से, देखते हैं गाइस। 3, 2, 1 वाह, ये तो पहला ऐसे ही आ गया, और वर्ल्ड स्प्रिगन लॉन्च भी नहीं हुआ था अच्छे से कमाल कर दिया यार बेफालतू में, स्टेडियम से डर के भाग गया ये। 3, 2, 1 हेल्थ एलिमेंटर कम ऑन, हेल्थ एलिमेंटर कम ऑन, हेल्स एलिमेंटर यू कैन डू इट, हम वीक बेबलेट की वो करेंगे साइड लेंगे, स्ट्रॉन्ग का तो पता ही है जीत जाते हैं वो। ओके 2 पॉइंट हो गए हैं वर्ल्ड स्प्रिगन के, वर्ल्ड स्प्रिग ये क्या था, बस्ट तो बस्ट कैसे हुआ ये पता नहीं यार, बाद में हुआ लेकिन रुकने के बाद। ओके 3, 2, 1 कम ऑन हेल्थ सिलेमेंडर भाई, ये नहीं जीतने वाले, कम ऑन, एक फाइट करनी है गाइस, ये देखना है कि लेफ्ट स्पिन बेस्ट है या फिर राइट स्पिन बेस्ट है, ये फाइट करनी है मेरे को जल्दी ही। और स्प्रिगन वर्ल्ड स्प्रिगन जैसे कि मैंने बोला था जीत जाएगा, तो जीत गया है, और हेल्थ कहाँ गया भाई, हाँ इसको हेल्थ एलिमेंट को हटाते हैं। अब ये 4 बचे हैं गाइस, ये 4 हैं, इनको वापस मैं ऐसे रख देता हूँ टेढ़ा, और अब देखते हैं 2 कौन से आएंगे, ये है एस्ट्रल स्प्रिगन बस इस वर्ल्ड स्प्रिगन भाई, दोनों स्प्रिगन्स की आपस में फाइट हो रही है गाइस, इससे बेस्ट बात क्या होगी, तो इनमें से कोई एक ही जीतेगा और वो होगा वर्ल्ड स्प्रिगन, मेरे मैं 90% श्योर हूँ। 3, 2, 1 देखते हैं बाकी, नेक्स्ट मैच में इनका वेट भी देख लेंगे। और भाई ये तो गलत सीन हो रहे हैं गाइस, पहला पॉइंट जाता है एस्ट्रल स्प्रिगन को, अब इनका वेट देख लेते हैं, एस्ट्रल स्प्रिगन का 75 ग्राम है, 76 है शायद, इसका 67 है, वेट डिफरेंस काफी ज्यादा है, काफी नहीं मतलब 10 ग्राम का तो है ही। 3, 2, 1 कम ऑन, कोई तो जीतो, वैसे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड स्प्रिगन जीतेगा यार, कम ऑन, और यार ये क्या था भाई, ये मेरे को नहीं पता क्या था, तो मैं इसको ड्रॉ मानूंगा यार, इनकी फाइट ना हमेशा ऐसे ही होती है, बहुत बहुत लंबी खिंच जाती है इन दोनों की फाइट। 3, 2, 1 ओके गाइस 2 पॉइंट हो गए हैं एस्ट्रल स्प्रिगन के, जो कि मैंने सोचा नहीं था वो जीत गया है, लेकिन अभी 1 पॉइंट और लिया तो वर्ल्ड स्प्रिगन हार जाएगा और एस्ट्रल स्प्रिगन जीत जाएगा। 3, 2, 1 कम ऑन,
वर्ल्ड स्प्रे गन बेइज्जती नहीं करवानी इतनी गंदे वाली, एक दो पॉइंट तो लेने हैं। मैंने सोचा था यार एस्टल स्प्रे गन 90% हार जाएगा, लेकिन ये तो भाई कंप्लीट डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड स्प्रे गन को। अभी ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड स्प्रे गन हारेगा, लेकिन हारेगा नहीं भाई। ये फिर से ड्रॉ लग रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को लगा है एस्टल स्प्रे गन जीता है थोड़ा सा, बट ड्रॉ मान के फिर से करते हैं एक और। ये लास्ट बैटल ही नहीं हो रही गाइस इनकी, बड़ा सीन है इन दोनों का, दोनों में से कोई नहीं मानने को रेडी हार। कम ऑन भाई, इनकी जो आवाज़ें आती है ना बड़ी खतरनाक है यार। ओ ये इस बार वर्ल्ड स्प्रे गन जीतेगा, इस बार जीतेगा, लगा ही था मेरे को इस बार जीत जाएगा और जीत गया गाइस। चलो भाई लास्ट फाइट नहीं हुई अभी, सबसे लंबी फाइट खिंच गई है। देखते हैं भाई, दो पॉइंट हो गए हैं वर्ल्ड स्प्रे गन के, नहीं एस्टल स्प्रे गन के, और एक पॉइंट हो गया वर्ल्ड स्प्रे गन का। ओके हाँ गाइस, मैं भूल गया था, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और एक और नया गिव अवे भी आने वाला है जल्दी ही, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ये जीता है वर्ल्ड स्प्रे गन ने, मैं श्योर हूँ, क्योंकि वर्ल्ड स्प्रे गन चल रहा था देर तक। एस्टल स्प्रे गन दो दो पॉइंट हो गए भाई दोनों के। कम ऑन, 3-2-1 यस, इस बार एस्टल स्प्रे गन ने दिखा दिया भाई, बहुत हो गया है। एस्टल स्प्रे गन की बेइज्जती कर रहे थे आपा और इसने हरा दिया। तो गाइस नेक्स्ट मैच में जाता है एस्टल स्प्रे गन। अब इन दोनों की फाइट करते हैं, इन दोनों का वेट भी देख लेते हैं। इसका 61 है, इसका देख लेते हैं एक बार, 66 था शायद इसका, सॉरी गाइस 64 है इसका, 61-64। हेलियोस वेल्केनो ज़्यादा है, लेकिन ये भी खतरनाक है भाई। जूई लॉन्गिनस और हेलियोस वेल्केनो, नहीं हाँ हेलियोस वेल्केनो, हाँ सही है। 3-2-1 ये रेस हो रही है गाइस, रेस, और रेस में कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया है किंग, वो किंग कह रहा हूँ वेल्केनो, हेलियोस वेल्केनो ने। कन्फ्यूजिंग नाम है यार, इतने बड़े बड़े नाम रख देते हैं। ड्रैगून कितना सस्ता नाम है, मतलब सस्ता नहीं, कितना इजी नाम है। वेलकरी कितना इजी नाम है, ये बड़े बड़े नाम रखे ना बड़ा कन्फ्यूज़ करते हैं लोग। ओके एक पॉइंट हो गया है वेल्केनो हेलियोस, हेलियोस वेल्केनो का। 3-2-1 फिर से वही। अबे यार वही सेम रिजल्ट, और कलर उतर रहा है शायद इसका, यहाँ पे लग गया इसके, हमारे रॉयल बेबलेड के। अबे तो दो पॉइंट हो चुके हैं वेल्केनो हेलियोस। यार अजीब नाम है हेलियोस वेल्केनो, ठीक है। 3-2-1 तो गाइस हमारा पहला पॉइंट जाता है पहले बेबलेड के सामने, मतलब पहले बेबलेड को, जो कि है जूई लॉन्गिनस, और इसके दो पॉइंट हो चुके हैं पहले ही। तो लॉन्गिनस का एक पॉइंट है, इसके दो पॉइंट हैं, अभी देखते हैं क्या लॉन्गिनस बराबरी कर पाएगा। 3-2-1 ओके गाइस, लॉन्गिनस हारता है ये बैटल बर्स्ट फिनिश के साथ, बड़े इजीली बर्स्ट हो गया, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। कम ऑन, तो दो विनर्स बचे हैं हमारे पास। मेरे ख्याल से मैंने इसको तो एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इसको नहीं किया था। 3 पॉइंट्स की बैटल सेम, देखते हैं कौन बेस्ट होगा, एस्टल स्प्रे गन और वेल्केनो हेलियोस। 3-2 ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही है गाइस। 3-2-1 ओ भाई, अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ है। इनकी नॉर्मल फाइट चल रही थी और एकदम से ये लॉन्च हो गया, जो एकदम से टक्कर लगी है ना स्प्रे गन को, वो इसके लॉन्च होने से लगी है, जो जिससे बाहर गया स्प्रे गन। तो अब मैंने मेरी आंखों से देखा है इसका काम करने वाला तरीका,
बड़ा ही खतरनाक है भाई, सीधा नॉकआउट कर दिया। ओके एक बट एक पॉइंट हो गया भाई हेलियोस वेलकनो का। 3-2-1 इस बार देखते हैं कौन जीतेगा। इस बार मेरे ख्याल से एस्ट्रोस प्रिगन जीत जाएगा। अरे रे रे कम ऑन, देखते हैं भाई। ओके एस्ट्रोस प्रिगन जीतता है फाइट बिल्कुल आराम से। फिर से करते हैं थ्री, अटैक मोड पे कर दूं क्या इसको भी मैं? लेट्स सी कर पाते हैं या नहीं। यार बिना उसके नहीं होगा, ये बिना निकले नहीं होगा। ओके टोटली अटैक मोड पे करते हैं गाइस। यार क्या सीन है, क्या सीन है, कम ऑन कम ऑन। हाँ बिल्कुल अटैक मोड पे हो गया है, ऑब्वियसली मजा आएगा ना। एक पॉइंट एस्ट्रोस प्रिगन का है, एक पॉइंट वोल्केनो का है, वोल्केनो का है, दोनों के बराबरी हैं। 3-2 और अटैक टाइप होते ही स्प्रिगन हार गया गाइस। स्प्रिगन अटैक टाइप होते ही हार गया। एक फाइट और हमारा विनर होगा हमारे सामने। 3-2-1 सॉरी ये फाइट अच्छे से नहीं हुई गाइस, सॉरी। मेरे को लगता है अब ये डीबी लॉन्चर टूटने वाला है कोई ना कोई। 3-2-1 ओके गाइस हमें विनर मिल चुका है। विनर है लेफ्ट स्पिन में वोल्केनो हेलियोस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये विनर होगा, लेकिन ये विनर है तो है गाइस। अभी जो लूजर हैं, जो हारे हैं, इनसे भी करके देखते हैं कि फाइट, देखते हैं क्या ये सही में विनर है। किंग हेलियोस को तो आराम से हरा देगा वोल्केनो हेलियोस वोल्केनो। 3-2-1 ओ भाई पहली बार इतनी स्पीड देखी मैंने किसी बेयरब्लेड की, वो भी इतनी देर तक। और हेलियोस वोल्केनो बिल्कुल सस्ता कह रहा हूँ, किंग हेलियोस बिल्कुल क्या कहते हैं डिफेंसिव खेल रहा है, और मेरे ख्याल से जीत भी जाएगा किंग हेलियोस क्योंकि स्टेमिना खत्म है भाई वोल्केनो का। स्मार्ट प्ले कर गया किंग हेलियोस, फिर भी नहीं जीत पाया गाइस। चलो भाई पहला बेब्लेड हार गया है, ब्लडी लॉन्गिनस से करके देखते हैं, ये भी हारेगा मेरे को पता है। 3-2-1 ड्रॉ हो गया गाइस, ड्रॉ। ये हमारा विनर ड्रॉ कर गया, लॉन्गिनस ने ड्रॉ कर दिया, कमाल की बात तो ये है भाई यार। ओके लास्ट 3-2-1 बस्ट और बस्ट नहीं हुआ, बस बाकी सब हो गया लेकिन बस्ट नहीं हुआ, रहता है सिर्फ मिराज फैफनियर। मिराज फैफनियर से भी देख लेते हैं, लास्ट बेब्लेड है ये। 3-2-1 मिराज फैफनियर जीतेगा भाई, मिराज फैफनियर जीत गया, कंप्लीटली जीतेगा भाई, कोई चांस ही नहीं है अभी तो जीतने का वोल्केनो हेलियोस का, हेलियोस वोल्केनो का। ओके गाइस ये जीत गया बस, लेकिन हमारा विनर है ये वोल्केनो हेलियोस, हमारा विनर है इस वीडियो का। और हाँ जिसको भी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, जो भी नया है चैनल पे हमें जल्दी से जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर करने हैं, 100 के सब्सक्राइबर्स, ताकि हम गिव अवे कर दें। और गिव अवे वाली मैंने कम्युनिटी डाल दी है, जाके उस पर कमेंट कर सकते हो, उसी से एक विनर चूज होगा। 1,00,000 होते ही अगले दिन से मतलब एक एक विनर चूज करेंगे हम, एक वीडियो में एक विनर, अगली वीडियो में अलग विनर, अगली वीडियो में अलग विनर, ऐसे मेरे ख्याल से 5-6 विनर हैं। हाँ छः गिव अवे है ना, 6 बेब्लेड्स हैं तो 6 गिव अवे हैं गाइस। तो देखते हैं किस किस को क्या क्या मिलता है। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक एम रखते हैं 3.5K लाइक्स। और हाँ भाई क्या क्या कर रहा हूँ मैं,
ओके गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं वहाँ पे माइनक्राफ्ट खेलता हूँ,